वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों। आज सडनली कुछ ऐसा प्लान बनाया कि मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। मैं आया हूँ नैनीताल, भाइयों का कॉल आ गया था अचानक से और उन्होंने कुछ ऐसा प्लान बनाया कि मैं मना नहीं करवाया। आज हम देखेंगे नैनीताल में हम क्या कर सकते हैं। मैं धर्मेंद्र मुंशियारी से। हाँ भाई को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मेरा नाम कुंभा है, अल्मोड़ा से। अब भाई के साथ आज कर रहे हैं नाइट कैंपिंग। ये सही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल रात का जो हमारा स्टे था काफ़ी अच्छा रहा। कल रात को हम बहुत अनजान से जगह पे पहुंच गए थे। लोकलों से हमने पता किया था कि कैंपिंग हम कहाँ कर सकते हैं, तो उन्होंने टिफिन टॉप के आसपास के एरिया को सजेस्ट किया था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने कल रात को अपने टेंट वगैरह लगा लिए थे। कैंपिंग की थी यहाँ पे। चलो मैं आपको कैंपिंग साइट पे ले चलूँ। एक दो तीन टेंट हम लेकर आए थे। देखिए दोस्तों, पूरा का पूरा जंगल है। आपको आगे कभी भी दिखा देता हूँ। हमने अभी प्लान किया है कि पहले हम नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद हम जाएंगे चाइना पीक के लिए। हम आ तो गए सोनम के मोमो खाने, लेकिन मुझे लग नहीं रहा अभी सोनम के मोमो बने होंगे। मामा बन गए? हाँ नहीं बने। कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? 12 बजे। यार अभी टाइम क्या हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? यार टाइम हो रहा है 10:12 बजे तक वेट करना पड़ेगा क्या? यार कैसे चढ़ेंगे हम चढ़ाई चाइना पीक की बिना सोनम के मोमो के? तो वापसी में खाऊंगा, बिना खाए मैं घर नहीं जाऊंगा। वापसी में खाकर ही जाऊंगा। सोनम के मोमो तो हमें मिले नहीं भाई, तो हम यहाँ आ गए। अभी हल्के पराठे खाने के बाद फिर हम जाएंगे चाइना पीक। लोग भाई लोग भी आ गए, तो पराठे आ गए मेरे भाई लोग सूखे पड़े हैं। तो दोस्तों हमने नाश्ता कर लिया है, अब यहाँ से हम निकलेंगे सीधे चाइना पीक के लिए, चाइना पीक के लिए।
चलो मैं आगे मिलता हूँ फिर सीधे वहीं चाइना पीक पे। आज हमने फाइनली चढ़ाई शुरू कर दी है चाइना पीक के लिए। ये रहा चाइना पीक जाने का मेन रास्ता और नीचे मेन रोड, अभी बस मैंने छोड़ा ही है आपको। शाम तक हम वहाँ से वापस आ जाएंगे। अभी 11 बज रहे हैं, देखो चाइना पीक पहुँचने तक कितना टाइम लगता है, कितने घंटे लगते हैं मैं बताऊंगा। भाइयों की स्पीड बुक काफ़ी अच्छी है जो मेरे साथ आई है अल्मोड़ा से। मैं थोड़ा स्लो हूँ, उनसे सबसे पीछे मैं ही चढ़ा। अभी बस हम रोड से एक मोड़ ऊपर पे बस पहुँचे हैं। अभी मैंने दोस्तों से पूछा तो उन्होंने बताया अभी जिस हम रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता काफ़ी पतला है, ये पतला वाला जो रास्ता है वो शॉर्ट है, और जो अभी सामने हमने रोड काफ़ी चौड़ी कच्ची रोड छोड़ी वो मेन रास्ता था। तो हम पहुँच गए अभी फाइनली जो पहले रास्ता हमने छोड़ा था चौड़ी वाली सड़क, अपनी हाईवे पतले रास्ते से आए थे और वो रास्ता पहले वाली चौड़े रास्ते पे मिल चुकी है, और इसी चौड़े रास्ते से हम ऊपर की ओर जाएंगे। अभी सब रुके मेरा वेट कर रहे हैं, सबसे स्लो मैं ही हूँ अभी यहाँ पे आज के चाइना पीक वाले सफ़र पे। अभी चाइना पीक के लिए हम काफ़ी ऊपर चढ़ चुके हैं, ये जीभ ठंड से लड़खड़ा रही है लड़खड़ा रही है उस वजह से मैं ठीक से आपसे बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुंशहरी में भी ठीक इसी तरह का एक्सपीरियंस मैंने किया था जब मैं खल्ले डॉक गया था, जब मैं खल्ले डॉक चढ़ाई कर रहा था ठंड से मुझसे ठीक से बोला नहीं जा रहा था। अभी भी सिचुएशन कुछ उसी की तरह हो गया जैसे ठीक मुंशहरी में हुआ था। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए यहाँ चाइना पीक पे। चाइना पीक की हाइट लिखी है यहाँ पे 2611 मीटर और नैना पीक 8622 फीट। ये दोनों के दोनों नाम एक ही है, नैना पीक अभी रिसेंटली नाम इसका पड़ा है, नैना देवी बर्ड सेंचुरी। हाँ 250 किस्म के हम यहाँ पे आपको मिलेंगे। और भाई बता दो उसके अलावा और क्या मिलेंगे? तो मेरे को दो चिड़ियाँ दिखती है, बाकी 248 चिड़ियाँ और देखनी है। 40 बोतल की 40 रुपए की बोतल मिल रही है। और भैया यहाँ से हम पीछे के रास्ते से अभी हम आए ऊपर पे, और यहाँ आपको खाने पीने का आइटम मिलेगा, ये वन विभाग का ही है। और यहाँ से हम सीधे अगर जाएंगे तो हम सीधे पहुँच जाएंगे कैमल्स बैग। अभी हम लेकिन यहाँ से सीधे चाइना पीक की ओर जाएंगे, सॉरी नया नाम नैना पीक। चढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है यहाँ से, यहाँ से आप इजीली 200 मीटर और आगे है बता रहे इजीली आप पहुँच जाओगे नैना पीक। अभी हम कैंटीन से
100 मीटर आगे आ चुके हैं यहाँ से आगे पे ठीक सामने जो जंगल है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लगता है वहीं थोड़े आगे ही चीना पीक है चीना पीक है। तो हम आगे पहुंच गए नैना पीक। अभी हम चाइना पीक पहुंच चुके हैं, आई मीन नैना पीक, बार बार चाइना पीक निकल रहा है। चाइना पीक से नीचे जो आपको नैनीताल का व्यू मिलेगा बहुत ही तगड़ा, कसम से जितना अभी तक हमने मेहनत की है चढ़ाई पे, वो सब के सब यार वर्थ इट। लेकिन जो चाइना पीक का व्यू है वो ऑसम है, वो मैं आपको इस तरह दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप लोग वहाँ से आते हो सीधे और आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ इस तरह से कुछ ऐसा व्यू होता है, बस ये जो जमीन है जमीन के ऊपर आसमान, और आप चढ़ते जाते हो और कुछ अंधे दिखाई देते हैं आपको, और साथ में पूरा नैनीताल आपको यहाँ से ऊपर से दिखाई देगा कुछ ऐसे। अभी हमने दिन में कैंपिंग की है यहाँ पे चाइना पीक नैना देवी पीक पे, सॉरी नैना पीक पे, और यहाँ से हमारे टेंट से बाहर का व्यू यहाँ से आपको पूरा नैनीताल दिखाई देगा, हमारे टेंट से ठीक बाहर तालाब नैनीताल पूरा लेक और नैनीताल की लेक के ठीक पीछे जो नैनीताल पूरा शहर बचा हुआ बसा हुआ है, नैनीताल सिटी पूरी दिखाई देगी नीचे, और हम हैं अभी बिल्कुल टॉप पे। फाइनली चाइना पीक का हमारा जो कैंपिंग करने का मन में एक वो थी कि हमें कैंपिंग करनी ही करनी है चाइना पीक पे वो, लेकिन हम दिन में कुछ घंटों के लिए यहाँ रुके हैं और हमने फाइनली कर ही ली। नैना पीक बोलो चाइना पीक बोलो यू आपको सेम मिलेगा, आप आइए और एंजॉय कीजिए नैनीताल पे, ऐसे दिन मजा आएगा। यो 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 और पास पे ही चाइना पीक पे हल्की सी हरियाली मिलेगी आपको यहाँ, अगर आपको छाया चाहिए तो छाया में टंडू बाइक के तरह बैठ सकते हो आप, टंडू बाई रॉक्स छाए में क्यों बैठो आप पहले ये बता दो मुझे, कभी नहीं आएंगे इसके कभी नहीं आएंगे और हम लोग भी मत। तो चाइना पीक को हमने बोल दिया है बाय बाय, अभी हम यहाँ से निकल गए नैनीताल के लिए। चाइना पीक हम तुम्हें फिर मिलेगा, सबसे बेस्ट अगर आपको चाइना पीक आना है नैना पीक आना है तो आप शाम के टाइम में इस टाइम में आइए, ये 2 बजे के टाइम में चढ़ाई करो आराम से, 1-2 घंटे पहुंच जाओगे 4 बजे तक ऊपर पे, और 4 बजे चाइना पीक में बैठोगे 2-3 घंटे अंधेरा जैसे स्टार्ट होगा 6 बजे के टाइम आप फोटो वगैरह शूट कर लो और सीधे निकल लो घर के लिए। चाइना पीक का सफ़र अभी एंड हो गया हमारा और अभी हम यहाँ से वापस चाइना पीक से नीचे नैनीताल के लिए निकल गए, हमारी पानी की बोतल भी ख़त्म हो गई, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है। आगे जो फॉरेस्ट ऑफिसर इनका कोई कैंटीन है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो फॉरेस्ट कैंटीन है यहाँ पे वहाँ पे आपको पानी मिल जाएगी, पानी पीते हैं फिर आपको मिलता हूँ मैं सीधे नैनीताल पे। आई फाइनली
सोनम के मोमो सब खा रहे हैं, ठीक है, खाली और ब्लॉग यहीं पे खत्म कर रहा हूँ भाई, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।